for the case. Of Dr. Narendra sir and Dr. Nupur, who is the intern over there. अगर कहीं जन्नत है तो बस यही है और यही है. मदर अर्थ इज अ जन्नत, सो लेट्स लर्न प्रॉपर वे सेग्रीगेशन एंड इट्स मैनेजमेंट एंड गिव अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन भारत. जय हिंद भारत रात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. गांधीनगर टीम की तरफ से, गांधीनगर हॉस्पिटल टीम की तरफ से हर पार्टिसिपेंट को अपने दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं. और क्योंकि ये सेशन हमारे दो दिन में बटे हुए थे और कल का दिन वॉज प्योरली प्रोफेशनल वर्कशॉप एंड सर हमारे, मैं नहीं कहता कि पहली बार, बट ऐसा लगता था कि कल हम लोग किसी लेवल पे पहुंचे हैं. अब हम रुकेंगे नहीं सर, क्योंकि थिएटर में काम चल रहा था और हम यहाँ सब उसको विटनेस कर रहे थे. और सिर्फ विटनेस ही नहीं कर रहे थे, वी वर हैविंग क्रॉस क्वेश्चनल सेक्शंस और प्लेटफॉर्म. डॉक्टर रोहित लाहौरी सर, डॉक्टर तो माँ ज्योति गमया, मृत्यु माँ अमृतम गमया, विच मीन्स लीडर्स फ्रॉम अनरियल टू रियल, लीडर्स फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट, लीडर्स फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ टू नॉलेज ऑफ इमोर्टैलिटी. मे द लाइट ऑफ दिस लैम्प लाइटन अप द ट्रस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स इन देयर हार्ट्स. तो बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा है तो बच्चा जवान हो गया. मैं लिफ्ट से बाहर निकला ना, आई मेट टू नर्सेज वर्किंग विद रोहित. वो इतने हंसी से खुशी, दे आर मिडिल एज लेडीज, दे वर सो पैशनेट अबाउट. मैंने कहा यार ऐसे लोग जब तक सिस्टम में ना हो तो रोहित भी कामयाब नहीं हो सकता. इफ आई टेल रोहित हैज मेड अस प्राउड, दोज टू नर्सेज आई एम सीइंग एवरी डे इन दैट वार्ड. इतनी खुशी उनके चेहरे पे दिख रही थी, मैंने कहा यार ऐसे लोग ही हूं तो तभी ये काम होते हैं, अदरवाइज नॉर्मली इज नॉट पॉसिबल. मतलब एक और चीज में बताऊंगा, इट इज़ अ बिट हार्श नाउ बट आई विल स्पीक. जब हम कहते ना डॉक्टर्स आर गॉड ऑन दिस लाइन नाउ, हम कहते ना गॉड है ना, सब लोग बचा रहे हैं, लेकिन हमने ये चॉइस प्रोफेशन बाय चॉइस लिया है ना. नोबडी हैज बीन फोर्स्ड इनटू एमबीबीएस, नोबडी कैन बी. इट इज सच ए डिफिकल्ट टास्क टू स्टडी फॉर सिविल. मतलब दिस इज शेम. मतलब आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग एवरी डे. इफ दिस थिंग डजंट कम आई वुड लाइक टू वर्क इन दिस डिपार्टमेंट टिल इटर्निटी, बट दिस वन थिंग इज ब्रिंगिंग मी डाउन एवरी डे 100 टाइम्स. नाइट ड्यूटी नहीं देगी, जम्मू से बाहर नहीं जाएगी. एंड एवरीबडी, मतलब एवरीबडी ना डॉक्टर्स ऑल बट लॉट ऑफ पीपल, मतलब यार आपने चॉइस आई. और मैं रिपीटेडली बोलता हूँ कि ट्वेल्थ में जब आप होते हो, टेंथ में, इलेवंथ में, आपके अंकल घर में आते हैं, बेटा क्या बनना है, बोला अंकल डॉक्टर बनना है. वो पूछता है क्यों बनना है, बोला सर्विस की खिदमत है, खलक करनी है. यही बोलते हैं ना हम सब, वी हैव ऑल सेड दिस थिंग टू आवर एल्डर्स, टू आवर ने. कांग्रेचुलेशंस मैम ऑन बिहाफ ऑफ द होल हाउस. And ma'am doesn't really need an introduction, because after seeing all such words, like ma'am doesn't need an introduction. Ma'am herself is a very big epitome of pain and palliative care management. And there, I think my words will be just short enough to describe a personality like such. Gandhinagar team ki taraf se, Gandhinagar hospital team ki taraf se har participant ko अपने दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं. और क्योंकि ये सेशन हमारे दो दिन में बटे हुए थे और कल का दिन वॉज प्योरली प्रोफेशनल वर्कशॉप एंड सर हमारे, मैं नहीं कहता कि पहली बार, बट ऐसा लगता था कि कल हम लोग किसी लेवल पे पहुंचे हैं. अब हम रुकेंगे नहीं सर, क्योंकि थिएटर में काम चल रहा था और हम यहाँ सब उसको विटनेस कर रहे थे. और सिर्फ विटनेस ही नहीं कर रहे थे, वी वर हैविंग cross-questional sections are doing everything, and you should be very happy, you should be very satisfied that we are working hard
to fulfill the gaps in medicine. And you are doing this, and I'm very proud of it. I'm really proud because this way, through various programs, we have entered in various states. And I feel proud that Jammu is doing really well. Doctors are getting trained. They are getting interested. That's why the hall is full and everybody is here. So they are getting interested and they are practicing this form of medical science. Otherwise, you know, time is not far away. When life expectancy will keep increasing, our ICU will be fully. We should try to start DNA biology medicine program in bigger corporate hospital if somebody is sitting from all the district doctors, so that they will be having a base. Only less than 4% patients are getting palliative care, less than 3% patients are. सर जो आज की वर्कशॉप है इसके बारे में बताइए। जो आज की वर्कशॉप है सर, ये अपने में एक इतिहास है। ये इंडिया की फर्स्ट फ्री पेन कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस प्लस वर्कशॉप, दो दिन का प्रोग्राम है। और यहाँ पे क्रॉनिक पेन्स और पैलेटिव केयर के बारे में डिस्कशन हो रहा है। फैकल्टी बहुत हमारे जो इमिनेंट फैकल्टी है थ्रू आउट इंडिया वो आई हुई है यहाँ पे, और इन सब चीज़ों के बारे में अभी जो विचार हुए हैं, डॉक्टर्स को कैसे सिखाना है, कैसे सिखा रहे हैं हम लोग, और इन सब चीज़ों का लेक्चर चल रहा है यहाँ पे। और ये जो है, दिस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू के, उनकी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है गांधीनगर हॉस्पिटल अंडर द दिस चेयरमैनशिप जो है वो है डॉक्टर सुषमा भटनागर की, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलेटिव केयर की हेड हैं, और एम्स विभाग में, एम्स में पैलेटिव केयर विभाग में वो हेड है वहाँ पे, तो पेन और पैलेटिव केयर की उनकी सुपरविजन में हो रहा है। काफ़ी बहुत देख रहे हैं हम कि काफ़ी लोगों में उत्साह है इसको। थैंक यू, थैंक यू।